अस्सलाम गाइस, बाबा किचन में आपका वेलकम है। आज हम बना रहे हैं बाबा किचन के अंदर बोंग का सालन, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। ये बेसिकली निहारी की बहन है। इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स निहारी जैसे ही डलते हैं, और हम पैकेट से नहीं, हम अपने मसालों से बनाए तैयार करेंगे। इंशाल्लाह ताला आप रेसिपी को देखें, आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बोंग का पीस है, हड्डी समेत हमने लिया है तकरीबन 1 किलो, और इसमें हम शामिल करेंगे प्याज, और प्याज को हम काट लेंगे। और आपको पता है कि बोंग की गोश्त में लज्जत बहुत मज़ेदार होती है, और इसके पीस भी हम बेसिकली बहुत बड़े बड़े रखेंगे, इसकी वजह से लज्जत इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और यही वजह है मैंने आपसे कहा था कि निहारी की बहन है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने ये गोश्त के पीस बड़े बड़े, और साथ में हड्डियाँ जो हरी, और इनको अच्छी तरीके से 5 मिनट हम इसको भूनेंगे हल्का सा। और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे दही, 2 कप है, और साथ में जिंजर गार्लिक का पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा आप लोग, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें बड़ा हौसला मिलता है। और अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा बेसन, और बेसन को पहले भून लेंगे, रोस्ट कर लेंगे, और फिर शामिल करेंगे। उसके बाद हम शामिल करेंगे कुछ मसाले अपने, बादियान की फूल और जायफल जावित्री, और यहाँ पर बड़ी इलायची और लौंग और दालचीनी और छोटी इलायची और ज़ीरा, और साथ में सौंफ, ठीक है। इनको हम अच्छी तरीके से अपने हैंड ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे, और अपना आप नॉर्मल ग्राइंडर में भी यूज़ कर सकते हैं, डजंट मैटर। और यहाँ पर लाल मिर्च शामिल करेंगे पीसी हुई, और थोड़ा सा नमक, हद से ज़्यादा अपने हिसाब से, और यहाँ पर धनिया का पाउडर, ठीक है, और यहाँ पर सौंठ यानी कि सूखा हुआ अदरक, और थोड़ी सी हल्दी। और यहीं पर ही अगर आप इसको निहारी में बनाना चाहते हैं तो यहीं पर आप पानी के साथ आटा मिलाएं, और इसके अंदर घोल के पानी में आटे को में शामिल कर दें, तो ये निहारी बन जाएगी। क्या बात है इसकी, ठीक है। और यहाँ पर हमने 2 कप के करीब पानी ऐड किया है, उसको 40 मिनट के लिए हल्की आंच पे हमने छोड़ दिया है। और अगर आप गोश्त ना गले तो इसमें आप पानी थोड़ा सा और ऐड करके इसको मज़ीद थोड़ी देर के लिए पका सकते हैं, जैसे हमने अभी इसमें किया। और इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा धनिया, मिर्चें और फ्रेश अदरक और बारीक चॉप हुआ, इसमें हम शामिल करेंगे और थोड़ी देर ढकेंगे ताकि ये अपना अरोमा दे दे, और इसको थोड़ी देर ढक देंगे 10 मिनट के लिए मज़ीद। और फिर आगे हम इसकी जो मेन जान है वो है इसका लाल कलर, और वो तैयार करेंगे देगी लाल मिर्च के साथ, इसको हम तेल में पकाएंगे, और यही मज़ेदार जान है। और इसको हमने बेसिकली अपने हैंड ग्राइंडर में अच्छी तरीके से पीस लेना है, और चाहे तो आपने मशीन से भी बारीक पीसना चाहते हैं तो बारीक पीस लें, बिल्कुल बारीक जितना पीसेंगे तो फिर ये इस तरीके से ये है कि सिर्फ कलर ही कलर अंदर आएगा आपको, पर मुझे दरदरा खाना इसका पसंद लगता है, अच्छा लगता है, तो मैं बेसिकली इसको ऐसे ही रख रहा हूँ। तो आप चाहें तो बारीक भी बिल्कुल पीस सकते हैं, और उसको शामिल कर सकते हैं इस तरीके से तेल में, और डालते वक्त कुकिंग के शुरू में भी आप डाल सकते हैं, इवन कोई हर्ज नहीं है। और इसको आप बनाएं, ये तेल जब रौनक लेके आता है इसके ऊपर, सालन के ऊपर, तो वाकई बहुत ही मज़ेदार और अच्छा लगता है। और इंशाल्लाह ताला आप इसको एज इट इज़ बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मज़ेदार वीडियोस मिलती रहें, और साथ में इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। जज़ाकअल्लाह।